माँ जरा सुन, तू रहती नहीं दूर, अभी लड़ रहा हूँ मैं, तेरा जिंदा है खून माँ, करूँ महसूस मुझे मिलता है सुकून माँ, कहते मुझे पागल लेकिन तू ही जाने गुण, ना कोई लड़की का प्यार ना कोई लड़का मेरा यार, माँ का है प्यार क्या देगा संसार, मार दूंगा उसे अपने शब्दों से कह के, तुम पैदा ना होते तो जिंदा क्या रहते, अभी कितने को मारा कोख में ही रहते, प्लीज मारो मत मुझे उनके जबान नहीं कहते। अगर आपकी प्रेमिका सुन रही है इस गीत को ब्रेकअप होने के बाद, तो कौन सा गीत उसको डेडिकेट करना चाहेंगे? सुन लग छोड़ी देवी का, हमरा डर नहीं हो तोर डैडी का, हम पूजा भी करे थी ओ देवी का, अगे तोरे बनेबो हम प्रेमी का, सुन लगे अब बहुत सारा तोरा हमरा बात हो बतायला, दीदा में देख तू घबराई थी अकायला, दुपट्टा नहीं रखती तू हमरा दिखायला, हम कट्टा भी रखते हैं तोरा बचायला, तोर मास्टर के बोल दिए नंबर बढ़ायला, धरती पे आए बस तोरा पटायला, और बाप तोर अलोल हमरा समझायला। नमस्कार, आप देख रहे हैं मघी आवाज और मैं हूँ आपके साथ धर्मराज युधिष्ठिर। जब कभी भी होलीडे या फिर छुट्टी का वक्त मिलता है, मैं आपको ऐसे कलाकार से मिलवाता रहता हूँ। तो आज मैं आपको एक ऐसे कलाकार से मिलवाने जा रहा हूँ जो जमीनी स्तर से फिलहाल अपना नाम बनाया है, रैपर सिंगर हैं, भोजपुरी रैपर, और फिलहाल अंग्रेजी में भी और कोई अन्य भाषा में भी गाते हैं। तो आइए उनसे परिचय करते हैं। तो यही है वो सिंगर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम एमसी मैग्नेट है। एमसी मैग्नेट है, घर कहाँ है? मेरा घर नालंदा पड़ता है। नालंदा का पूरा घर कहाँ, पूरा इंट्रोडक्शन के साथ बताएं। नालंदा से पश्चिम हिलसा, हिलसा जानते हैं? हिलसा घर है। हिलसा में कौन सा गांव? हिलसा से पश्चिम सरदार बीघा पड़ता है। हिलसा में सरदार बीघा गाँव है। हाँ, जोगीपुर। अच्छा, कौन सा गीत गाते हैं आप? हम हिंदी इंग्लिश मगही, हिंदी इंग्लिश मगही गाते हैं, रैपर सिंगर हैं। हाँ, एमसी मतलब माइक कंट्रोलर होता है। तो कौन सा गीत सुना रहे हैं, सुनाए दर्शकों को? मैं सबसे पहले सुनाना चाहूँगा एक मेरी माँ पे सॉन्ग है। अच्छा अच्छा, वो है माँ मेरी जान तुम ही पे कुर्बान, माँ तेरा प्यार मुझे दिया पहचान, माँ जरा सुन तू रहती नहीं दूर, अभी लड़ रहा हूँ मैं, तेरा जिंदा है खून माँ, करूँ महसूस मुझे मिलता है सुकून माँ, कहते मुझे पागल लेकिन तू ही जाने गुण, ना कोई लड़की का प्यार ना कोई लड़का मेरा यार, माँ का है प्यार क्या देगा संसार, मार दूंगा उसे अपने शब्दों से कह के, तुम पैदा ना होते तो जिंदा क्या रहते, अभी कितने को मारा कोख में ही रहते, प्लीज मारो मत मुझे उनके जबान नहीं कहते। तो ये अपने माँ के लिए लिखा था, हर माँ के लिए। तो अच्छा ये बताएं, कब से सिंगिंग कर रहे हैं और गीत क्यों नहीं गाते हैं, रैपर क्यों गाते हैं? रैप इट्स माय फीलिंग, मतलब दो साल से मैं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, दो साल से कर रहे हैं। हाँ, तो रैपर मतलब अंग्रेजी में भी गाते हैं? हाँ, इंग्लिश में। तो एक अंग्रेजी में भी हो जाए। व्हेन आई लिसन बीट सम कम स्पीड ऑल वॉकेड इन स्लो एज आई ड्रंक बीट माय हार्ट बीट मूव सम स्पीड लाइक प्ले विद वैम डैम हिज मीड आई वेट नो हेट। अच्छा, तो ये अंग्रेजी में रैपर कौन लिखता है ये स्क्रिप्ट? मैं खुद लिखता हूँ, म्यूजिक भी खुद बनाता हूँ। अच्छा, एक बात पूछना चाहेंगे, जो अभी आपने सुनाया अंग्रेजी का ये रैपर, तो क्या ये मतलब ग्रामेटिकली राइट होता है कि जैसे मैंने इसे उठा पटक लिख दिया जाता है? नहीं नहीं, ग्रामेटिकली राइट होता है कि कंपोज करने में कुछ कट भी जाता है, ग्रामर को नकार भी दिया जाता है? नहीं ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, पूरा एक जैसे रैप आर्टिस्ट का एक अलग ही लैंग्वेज होता है थोड़ा, ठीक है? अच्छा, हाँ हाँ, और वो ग्रामिकल टाइप का नहीं होता, जो होता है ना जैसे कि बुक्स में जैसे होते हैं वैसे नहीं होते हैं। वैसे नहीं होता है। हाँ, कुछ हटके होता है। अच्छा ये बताएं, अब तक आप कितने गीत गा चुके हैं, कितने एल्बम है आपके? मेरे अभी यूट्यूब पे करीब 7 से 8 सॉन्ग हैं। 7-8 सॉन्ग बाजार में आ चुके हैं। हाँ। अच्छा, कौन सा सॉन्ग बहुत ज़्यादा वायरल है? एक गुम सॉन्ग है मेरा। गुम सॉन्ग है। हो जाऊँ ना मैं गुम, हो जाऊँ ना मैं गुम, ये कंपोज भी मैंने किया, और इसके हमारे साथ यीशु भी हैं, मतलब इसमें। अच्छा, भोजपुरी का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, तो भोजपुरी का कोई रैपर? नहीं, भोजपुरी में नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे फील नहीं हो पाता सही से, और मैं सुनना पसंद करता हूँ, मैं डांस उसमें करता हूँ, लेकिन मैं गाता हूँ हिंदी और मगही। मगही में एक सॉन्ग है वो आइटम सॉन्ग की तरह, अगर आप चाहेंगे तो मैं सुना सकता हूँ। सुनाए। सुन लग छोड़ी देवी का, हमरा डर नहीं हो तोर डैडी का, हम पूजा भी करे थी ओ देवी का, अगे तोरे बनेबो हम प्रेमी का, सुन लगे अब बहुत सारा तोरा हमरा बात हो बतायला, दीदा में देख तू घबराई थी अकायला, दुपट्टा नहीं रखती तू हमरा दिखायला, हम कट्टा भी रखते हैं तोरा बचायला, तोर मास्टर के बोल दिए नंबर बढ़ायला, धरती पे आए बस तोरा पटायला, और बाप तोर अलोल हमरा समझायला।
तो ये हैं रैपर सिंगर, आपने अभी तक 7-8 गीत यूट्यूब पे छोड़ रखा है जी, जी, जी। कोई ऑफर मिला अभी तक? ऑफर्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री? हाँ, बिहार फिल्म प्रोडक्शन है गया सिटी में, उन्होंने मुझे ऑफर दिया था। अच्छा अच्छा। बट मैं वो ऑफर नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि मेरा कहना है कि जितना हम खुद से कर सकते हैं उतना वो नहीं दे सकते हमें। स्वयं पे भरोसा है? हाँ, बहुत ज़्यादा। कौन सा वो गीत था जो बहुत ज़्यादा नाम दिला गया? गुम गुम। कितने व्यूअर्स थे उसके? उसके करीब 15,000 व्यूअर्स अभी तक। अच्छा अच्छा, जो भी कहते हैं सही बात करते हैं। और छोटे कलाकार इसी प्रकार संघर्ष करते हुए अपना नाम बनाते हैं, आगे क्या इरादा है, क्या करेंगे? आगे इरादा है, अभी मैं एल्बम छोड़ रहा हूँ। अच्छा। जिसका नाम है लोकल आर्टिस्ट, उसमें अच्छा। से अभी 5 सॉन्ग मैंने एक बार में छोड़ा है। अच्छा अच्छा, 5 सॉन्ग एक बार में छोड़ा, उसमें 10 सॉन्ग और आने वाले हैं। अच्छा, ये अश्लील गीत मघी में भोजपुरी में बन रहा है, क्या आप भी अश्लील गीत गाना पसंद करते हो? अभी सुनाया जो कुछ गीत अश्लील था उसमें, लेकिन वैसे आने वाले गीत को क्या करेंगे आप, अश्लीलता परोसेंगे कि नहीं? अश्लीलता मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि हिंदी में जो हम आज देते हैं तो वो दुख होता है, लेकिन अगर इंग्लिश में हम देते हैं तो अच्छा लगता है लोगों को। आप इंग्लिश सुनेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा अश्लीलता होती है। कुछ भी हो, किसी भाषा में आप अश्लीलता परोसते हैं, समझने वाले को तो तकलीफ उतना ही होता है। अंग्रेजी ऐसा थोड़े है कि अंग्रेजी नहीं समझा जाता है। उस तरह का मैं अश्लीलता गाना पसंद ही नहीं करता। देखिए, आपने मेरे माँ का सॉन्ग सुना, अभी मैं हर तरह का सॉन्ग गाना पसंद करता हूँ। अच्छा, आने वाले समय में क्या इरादा है? यही इरादा है कि अपना मेरे पास 42 सॉन्ग है और 42 में से 18 कंप्लीट है, जिसे मैं कोई और एक गीत सुनाना चाहेंगे दर्शकों को? हाँ जरूर, कोई और सुनाएं जो काफ़ी अच्छा है आपका गीत, जो खूब पसंद है आपको, जो दर्शक भी खूब पसंद करते हैं। मतलब स्टोरी है, जैसे जिस तरह से मैंने रैप स्टार्ट किया था, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ने के बाद मेरी फीलिंग्स निकालने के लिए। आपकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया आपको? हाँ हाँ, मतलब क्यों छोड़ दिए, ब्रेकअप क्यों हो गया? पर्सनल है, मतलब क्या है कि कोई कारण से? हाँ, कोई कारण से, जिसको आप बताना नहीं चाहेंगे दर्शकों को? थोड़ा पर्सनल है। अच्छा अच्छा, बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं है ना, ऐसा होता ही रहता है, दिल टूटता रहता है आज की तारीख में। हाँ, काफ़ी ज़्यादा। एक सॉन्ग है मेरा, मिर्गी आने वाला है। मिर्गी आने वाला? हाँ, उस सॉन्ग का नाम है। अच्छा अच्छा, कैसा है भाई जरा बताएं। समझा नहीं फीलिंग तू, समझी नहीं फीलिंग ओ, आज गाना तू सबके सुनाओ, मिर्गी हो। वो हानि ही क्या जो जवानी में हो, वो जवानी ही क्या जो कहानी ना हो, वो कहानी ही क्या जो दीवानी ना हो, वो दीवानी ही क्या जो मस्तानी ना हो। हीरो इस पिक्चर का, दिमाग में विजन था, सुन जनता, काम करता मन का, इंसानों में संग का, दिखता निढंग का, जादू ये कलम का, थोड़ा सा चमका तो बम का, ठनका के लमका ली हमका, बोली कसम खा, आज तक नहीं समझा। हनी सिंह के आने के बाद एक गीत आया था लुंगी डांस, उसके बाद रैपर का एक होड़ लग गया और बहुत सारे रैपर सिंगर पैदा ले लिए। तो उसी के आधार पे मैं आज आपको एक मुलाकात करवा रहा हूँ रैपर सिंगर से। अब जानेंगे इनकी निजी जीवन। फिलहाल आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में अभी तो मैं राजगीर में हूँ। अच्छा, अपनी माँ के साथ रहता हूँ। अच्छा अच्छा, कितने भाई हैं आप? मैं 2 भाई हूँ। अच्छा अच्छा, 2 भाई बहन? बहन एक थी जो डेथ हो गई अभी रिसेंट में ही। अच्छा अच्छा, पापा क्या करते हैं? मेरे पापा दिल्ली में है, जो गार्ड है। अच्छा, आर्थिक स्थिति थोड़ा सा मतलब अच्छा है? हाँ, नॉर्मल, इट्स बेटर। नो प्रॉब्लम फ्रॉम मतलब घर से कोई इकोनॉमिकली कोई? नो प्रॉब्लम नहीं है उतना प्रॉब्लम, बस म्यूजिक के लिए सपोर्ट नहीं मिलता, बस मेरी माँ सपोर्ट करती है म्यूजिक में, और कोई नहीं करता उतना। तो अच्छा, कोई इतने सारे सिंगर्स हैं भोजपुरी में, कौन अच्छा सिंगर है आपके लिए भोजपुरी में? मैं किनको पसंद करते हैं? पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और भी है। पवन सिंह मुझे अच्छा लगते हैं। पवन सिंह अच्छा लगते हैं। तो फिलहाल संघर्ष जारी रहेगा जी। संघर्ष के बारे में बोल दो वो, और एक सैड सॉन्ग सुनाए। है एक स्टोरी टेलिंग मेरा है, ये 2015 की बात, पुरानी नानी घर में रहता था, वहीं से शुरू कहानी, वो दीवानी मुझे दीवाना बनाते रहती थी, वो गांव की तिछोरी अब शहर में रहती थी, अजीब से घुंघरेले बाल दिखती वो कमाल, ऐसे देखते देखते मेरा बीता एक साल, फिर 2016 में बदला चाल ढाल, उससे नाम मैंने पूछा, वो बताई श्वेता पाल,
मैं विशाल मिशाल की तरह हो गया, उसके आमने सामने मैं खो गया। उस दिन दिल पकड़ के मैं रो गया, उस दिन दिल के पार तीर हो गया। वो इतनी खूबसूरत मुझे देखने की थी लत, देखा 3 बजे रात तक वो पढ़ती अपने छत बैठ। लक बोला, दोस्त बोला छोड़ देना भाई, तू पढ़ाई में कितना लो और वो तुझसे कितना हाई।